तो जी हाँ, कहानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 4.5 किलो का सोना जो था वो किस तरह से, या आप देख सकते हैं 3 आरोपी जो बैठे हुए हैं पीछे, वो पुलिस दल है, वो एक्चुअल मेहनतकश दल जिसने इन आरोपियों को पकड़ा। जी हाँ, असल में जितने भी आरोपी पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं आरोपी फिर से पैदा हो जा रहे हैं, लेकिन इसमें जनता को भी पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये आप देख सकते हैं सोने के, जी हाँ, बिस्किट, ये आप देख सकते हैं किस तरह से पकड़े गए हैं। और ये कहानी कब रुकेगी, अपराधों की कहानी कब रुकेगी, पता नहीं। नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और ऐसे ही क्राइम की कहानियां लेके हम आते रहते हैं। 4.5 किलो का सोना, जी हाँ, मंगलोर से निकले झवेरी बाजार जाने के लिए अपने नौकर को सपोर्ट किया था, लेकिन जब वो नौकर ही नहीं मिला तो उन्होंने आफ्टर ऑल पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस ने क्या रणनीति यूज की है वो आप सुनेंगे आगे पुलिस ऑफिसर से। लेकिन हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास ना कर रहे, चाहे वो कितना भी विश्वसनीय नौकर हो, क्योंकि 4.5 किलो का सोना काफी कीमती होता है। तो आइए सुनते हैं। 8 तारीख को शाम को हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार 4.5 किलो सोना लेके मैंगलोर से एक एम्प्लॉय निकला था जो झवेरी बाजार पहुंचना था। बीच में उसको ट्रॉम्बे इलाके में पांजरपोड़ में उसको ट्रैवल से उतर के उसको आगे जाना था, लेकिन उसका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। मीनवाइल जो सप्लेनेट है उनको ये सूचना मिली कि उसका जो एम्प्लॉय है उसका वो पूरा सोना जो है वो चोरी हुआ है। उसके उस कंप्लेंट से ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने उसमें तहकीकात करना शुरू किया। उस तहकीकात में ऐसा सामने आया कि जो एम्प्लॉय सोना लेके निकला था उसके साथ में और 2 लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये पूरा प्लान किया कि जो नितिन पाटिल करके एक्यूज नंबर 1 है उसको उतरने के बाद में वो उसको उसके बारे में आगे क्या हुआ ये याद नहीं आ रहा और सोना चोरी हुआ। तो उसके बाद और 2 एक्यूज का नाम भी उसमें सामने आया। दोनों एक्यूज को आइडेंटिफाई किया गया और आइडेंटिफाई करने के बाद में एक्यूज नंबर 3 जो है वो 3 सांगली डिस्ट्रिक्ट में है करके पता चलने के बाद में उसको अरेस्ट किया गया। और इस पूरे मामले में जो 4.5 किलो गोल्ड जिसकी कीमत लगभग 2,47,00,000 है उसको एक्यूज नंबर 3 से हमने हिरासत में भी लिया है। और इस पूरे सिलसिले में इनिशियली हमने IPC 408 सेक्शन के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया था, जिसमें इन तीनों का जो प्लान था इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी का IPC सेक्शन 120B भी हमने ऐड किया है। तीनों एक्यूज कल तक हमारे कस्टडी में है और इंक्वायरी चालू है।